नमस्कार, आज हम बात करेंगे चंद्र पर्वत के बारे में। तो देखिए, हस्तरेखा में चंद्र का पर्वत कहाँ पे होता है, तो ये जो घेरा आपको दिख रहा है ना, ये घेरा जो एरिया लेके चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसका, ये चंद्र का एरिया कहलाता है। ठीक है, तो अब जो चंद्र है, जैसे कि नाम से हमको एक चीज़ समझ में आता है, चंद्रमा के बारे में जब भी हम मन में विचार लाते हैं तो हमको क्या महसूस होता है, एक सौम्यता महसूस होती है, एक शीतलता महसूस होती है, एक कल्पना, एक उसको देख के प्रेम की मतलब प्रेम वासना के तरफ में एक सुंदर सा ख्याल मन में आता है, है ना। तो बस ऐसे ही आपको समझ के चलना है चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा आपके शरीर में आपकी कल्पनाशीलता है, आप कितना इमेजिनेटिव पर्सनालिटी है आपकी, वो चंद्रमा आपको डिसाइड करेगा। ठीक है, आपका ये आपका मन है, चंद्रमा आपका मन है, यानी कि ये चंचल होता है बड़ा। जैसे चंद्रमा चंचल होती है ना, कलाएं बदलते रहती है, बस वैसे ही मन भी चंचल होता है, इसीलिए चंद्रमा को मन की संज्ञा दी जाती है। हमारा जो मन है कभी स्थिर नहीं रह पाता है, हमेशा चलायमान रहता है। तो ये चंद्रमा आपका मन है। अब जैसे मैंने कहा ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि बोलते हैं ना, तो बस क्यों, क्योंकि उनकी कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा प्रधान होती है। कुछ भी चीज़ में कहीं से भी वो संज्ञा दे के उसमें एक उपमा बैठा के एक शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं, तो बस वही है। तो चंद्रमा आप अगर अच्छा है तो आप कवि हैं, साहित्यकार हैं, दार्शनिक हैं, ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी, या चित्रकार हैं कोई बहुत अच्छे आप, है ना, तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी कल्पना का यूज कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा आप इमेजिन करके कोई चीज़ को निर्माण कर रहे हैं, बिना उसके आपका वो काम ही नहीं हो सकता। ऐसी जो चीज़ें जहाँ कल्पना प्रधान चीज़ें हैं, वो आपकी चंद्रमा का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैसे ही चंद्रमा यानी जल से संबंधित चीज़ है, शीतलता वाली बात हो रही है, तो जल से संबंधित चीज़ यानी कि जल से, पानी से बनी हुई चीज़ें, या पानी वाली चीज़ें, या दूध से बनी हुई चीज़ें, लिक्विड प्रोडक्ट, कहने का मतलब लिक्विड प्रोडक्ट का भी जो काम वाम है वो भी चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाएगा। वैसी जल से संबंधित चीज़ में जल यात्रा, तो आज के समय में तो हवाई यात्रा होती है, जब उस समय होती थी पुराने समय में तो जल यात्रा से देखा जाता था, तो इसीलिए विदेश यात्रा जो भी हम देखते हैं वो भी हम चंद्रमा पे आके देखते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा आपका विदेश यात्रा हो गया, आपके घर से दूर जाके आपका प्रोग्रेस ये जो है वो भी चंद्रमा से देखते हैं। अगर कोई चंद्रमा से भाग्य रेखा निकल के जा रही है तो हम ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, घर से दूर में जाके भाग्योदय होगा। बस ऐसा ही है, क्योंकि घर से दूर चंद्रमा मतलब आपको यात्रा कराएगा, चंद्रमा यात्रा ऐसा समझ के चलना है आपको। ठीक है, आपकी माता वो भी चंद्रमा है, आपकी माता का सुख आपको कैसा रहेगा वो भी चंद्रमा से हम देखेंगे। ठीक है, आपको दुनिया में, आप जीवन में आपको लोगों का सहयोग मिलेगा कि नहीं, लोग आपके सपोर्ट करेंगे कि नहीं, आपके मित्र या फिर आपके रिश्तेदार कोई भी जो दूसरे लोग हैं वो आप, उनका सहयोग भी चंद्रमा से देखा जाता है। ठीक है, लोगों का सहयोग, और ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बोलने के लिए तो एक शब्द है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिसको लोगों का सहयोग मिल गया वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, अक्सर लोग टांग खींचने वाले ही मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है राजयोग, तो 9 के 9 ग्रह आपको राजयोग देते हैं, कोई ना कोई प्रकार से कोई ना कोई योग बना होगा तो आपको राजयोग मिल जाएगा ज़रूर। लेकिन एक खास बात है, अगर आपका सूर्य और आपका चंद्र इनसे कोई राजयोग बनता है तो ये बहुत लंबे समय के लिए मिलता है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा का हाथ में अच्छा होना बहुत अच्छा कहा जाता है। बाकी ग्रह अच्छे हों चाहे ना, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चंद्रमा और सूर्य अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा राजयोग मिलता है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तो ये भी चीज़ चंद्रमा से देखा जाता है। ठीक है, राजयोग चंद्रमा से अगर कोई बनता है, अब जहाँ राजयोग का सिंबल कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा है, ये यहाँ से जा रही है लेकिन यहीं से एक रेखा चंद्रमा की रेखा इससे आके अटैच हो रही है, ऐसा, जैसे मैं थोड़ा गाढ़ा बना दिया, आपसे गाढ़ा बना रहा ताकि समझेंगे, ऐसी कोई रेखा यहाँ से आड़ी रेखा आई और उसने भाग्य रेखा को अटैच कर दिया, ऐसा, ये भी एक राजयोग का चिन्ह है। ऐसे लोगों को जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग मिलता है, कोई ना कोई मसीहा इनके जीवन में आके इनकी नैया जहाँ फंसती वहाँ पार लगा के निकल जाता है, ऐसी घटनाएं इनके साथ में अक्सर घटती हैं। तो ये बहुत बड़ा राजयोग है और ये पूरे जीवन काल होता है इनके, ऐसा नहीं कि एक पीरियड में, जीवन काल भर होता है। तो ऐसे लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं, दूसरे इनके टांग खींचने वाले लोग इनको जीवन में नहीं मिलते हैं, ऐसे लोगों को टांग खींचने वाले लोग नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो उनका विनाश हो जाता है बिना कुछ किए। ठीक है,
ऐसा भी आप समझ के चलोगे। अब कुछ चीज़ें और समझते हैं हम लोग। ये चंद्रमा आपका प्रकृति का प्रेम है, जैसे मैंने कहा ना, एक प्रेम एक भावना आती है, एक अच्छी भावना आती है, तो चंद्रमा को देखने से हमको एक प्रकृति प्रेम की तरफ में भी भावना आती है। तो चंद्रमा आपका प्रकृति प्रेम है, यानी आपकी गार्डनिंग है ना, आपका टूर ट्रैवल का बिजनेस, ठीक है, आपका कोई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो आप जाके, कुछ कोई यूट्यूबर होता है जाके कोई नए जगह में ब्लॉगिंग करता है, एक्सप्लोर करता है, वो जो चीज़ें हैं वो भी चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है। और वैसे ही आप देखेंगे आपका, जैसे मैंने कहा ना, एक कल्पना का क्षेत्र है, बहुत कल्पना ऐसे लोग करते हैं, अगर चंद्रमा अच्छा है तो कल्पनाशील होगा इंसान। तो ऐसे जो अब मान लो कोई इंसान ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर की खोज में है, ध्यान लगाना चाहता है, तो उसके लिए तो कल्पना होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर वो ध्यान कैसे लगाएगा। इसीलिए ये ईश्वरीय अनुभूति जो करते हैं, जो बड़े बड़े मेडिटेशन करते हैं या फिर ध्यान विद्या जिनको आती है, ऐसे लोग का भी चंद्रमा उत्तम किस्म का होता है, तभी वो इतना कर पाते हैं, नहीं तो फिर वो नहीं कर पाते। तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट, आपको एक कॉमन बिंदु बता रहा हूँ, एक क्षेत्र दायरा बता रहा हूँ, इस दायरे के अंदर में हमको आके सोचना है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जाके मेडिटेशन करेगा ईश्वरीय अनुभूति का, ऐसा नहीं है, बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। अगर धार्मिक सिम्टम्स ज़्यादा हैं और ये ज़्यादा है, तो आप बता सकते हो कि आपके अंदर वो गजब का इंट्यूशन पावर रहेगा, ईश्वरीय कनेक्शन आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ऐसा बताओगे आप। लेकिन अगर बाकी चीज़ें ऐसे नहीं हैं तो आप अब ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो बाकी समय में फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको पानी वाली चीज़ें सूट करेंगी। अगर ये बिजनेस माइंडेड लग रहा है तो आप उनको ये चीज़ बोलिए, जल से बनी हुई चीज़ों पर इन्वेस्ट कीजिए, टूर ट्रैवल में बिजनेस कीजिए, होटल्स वगैरह का बिजनेस कीजिए, ये सारी चीज़ का आप समझा सकते हैं उसको। ट्रांसपोर्टेशन का भी ऐसे लोग है ना कि आना जाना यात्रा वाली चीज़ें हैं ना, उनसे भी इनको लाभ हो सकता है, ऐसा आप सजेस्ट करोगे। मतलब आपकी सामने वाले की सोच को देखते हुए हमको वो जजमेंट करना पड़ेगा कि बाकी रेखाएँ बाकी चीज़ें उसका क्या बता रहा है ना। बाकी देखो अब दूसरा पॉइंट इसका पहलू पे आते हैं। मैंने कहा ना ऐसे लोग थोड़े से ख्याली होते हैं, ख्याली मतलब कल्पना में रहते हैं, तो अब कल्पना में रहने के कारण से ऐसे लोग थोड़ा सा ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं। इनका प्लानिंग बहुत तगड़ा रहता है लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत कमज़ोर रहते हैं इन लोग, क्यों, क्योंकि कल्पना में खोए रहते हैं, ये नेगेटिव साइड आता है इनका। जिसका चंद्रमा, देखो चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा होना और बहुत ज़्यादा दबाव होना अच्छा नहीं मानते, ठीक है ना, इसका सम होना ज़्यादा सही है, या फिर सम से थोड़ा अगर सुंदर है तो सही है, लेकिन जिस जरूरत से ज़्यादा अगर उभार हो गया तो बहुत ज़्यादा कल्पना सील हो जाएगा, फिर ख्याली दुनिया में रहेगा, शेख चिल्ली बन जाएगा। लेकिन केवल इतना बोल देना सही नहीं है, मान लीजिए इसकी माइंड लाइन ऐसी आ रही है चंद्रमा पर जा रही है और चंद्रमा बहुत ज़्यादा उभार लिया है, तब इसके दिमाग में चंद्रमा का प्रभाव तेज पड़ गया, तब ये आदमी बहुत ख्याली होगा, दिन भर ख्याली पुलाव पकाते रहेगा, बिस्तर में बैठे बैठे अदानी अंबानी की से लंबी प्लानिंग कर जाएगा, ये ऐसे लोग हो जाते हैं। अब लेकिन क्या अब ये केवल ऐसे हो जाते हैं, अब देखो इसमें अब यही जो जैसी माइंड लाइन चंद्रमा पे ना, ऐसी माइंड लाइन अगर तो किसी दूसरे की भी हो और बाकी उसके अंगूठे का फर्स्ट प्लेन लंबा हो, ठीक है, और उसके अंदर में मतलब बाकी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हो जो पॉजिटिव है हमारे फेवर में, ये लंबी हो, पर्वत अच्छे हो, सूर्य का पर्वत अच्छा हो, गुरु का पर्वत अच्छा हो, ऐसे बाकी चीज़ें अच्छे हो, तो ये आदमी साइंटिस्ट भी तो बन सकता है। चंद्रमा में कल्पनाशीलता है तभी तो कल्पना करेगा, तभी तो कोई चीज़ को इमेजिन करेगा, तभी तो कुछ नया चीज़ इन्वेंशन करेगा। तो जो आपके साइंटिस्ट लोग हैं, मान लो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, वो खोज का है, भी खोजी प्रवृत्ति का है, ये लंबा है फैलेंज उसका, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, हार ही नहीं मानने वाला है वो, और ये माइंड लाइन भी यहाँ पे है, तो कल्पना कर करके अपनी इच्छा शक्ति को प्रभावित कर करके वो कुछ नया इन्वेंशन कर लेगा, कुछ साइंटिस्ट का काम कर लेगा, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है ना, ऐसा हमको समझना है। तो ये अच्छा चीज़ भी है, लेकिन बाकी चीज़ें अगर फेवर में है तो अच्छा हो गया, अगर बाकी चीज़ें फेवर में नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या समझना है, माइंड लाइन के चंद्रमा पे आना ख्याली बनाता है, सीधा बात, एक लाइन पे, बाकी चीज़ें उसके कंडीशन को जोड़ना और घटाना बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ माइंड लाइन का प्रभाव आ जाएगा तो वो आदमी ख्याल में आ जाएगा, कल्पनाशील हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अगर ये कब के कंडीशन में, जब पर्वत अच्छा है तब, ठीक है। अब एक हम और बात करते हैं, देखो इनके अंदर में मैंने कहा कि कल्पनाशीलता ज़्यादा होती है तो भौतिकता इनके अंदर में कम होती है, भौतिकता मतलब सांसारिक ज्ञान इनको कम होता है क्योंकि ख्याली दुनिया में पले रहते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष रहता है, ऐसे लोगों को सफलता आराम से नहीं मिलती है, ख्याली होने के कारण से, मैंने कहा ना प्लानिंग तगड़ा रहता है, एग्जीक्यूशन नहीं रहता, वहीं पर फंसे रहते हैं, ये खाली प्लानिंग प्लानिंग करने से जीवन नहीं चलेगा।
तो इनके अंदर भौतिकता की कमी होती है, इसीलिए ऐसे लोग थोड़े से संघर्ष करते हुए भी देखे जाते हैं। कौन लोग? जिन लोग का चंद्रमा ज़्यादा उभार है ऐसे लोग। सम है तो अच्छा है, दोनों चीज गुण हो गया, भौतिकता भी हो गई और कल्पनाशीलता भी हो गई, वो तो अच्छा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उभार हो गया, अति ज़्यादा उभार, तो ये ऐसे लोग ख्याली हो जाते हैं मन में। दुनिया भर का है, और भी बताता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर से ज़्यादा उभार है तो ख्याली तो होंगे ही होंगे, पहला चीज़। कल्पनाशीलता तो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगी ऐसे लोगों की। दूसरा चीज़, इन लोग वहमी रहते हैं, इनको वहम होता रहेगा, फोबिया सता आता है ऐसे लोगों को, कुछ ना कुछ प्रकार का फोबिया रहेगा। कभी भूत प्रेत की बातें इनको किस्सों कहानियों में कोई सुना दिया तो उसी को फोबिया बना लिए। कभी किसी चीज़ को कुछ इन लोग डर गए तो उसी चीज़ से फोबिया बना लिए। ऐसा है, कुछ ना कुछ प्रकार का फोबिया ऐसे लोग के साथ में देखा जाता है। हमें ऐसा भ्रमित रहते हैं और शंका बहुत शंकित रहते हैं ऐसे लोग, किसी पे बहुत यकीन नहीं कर पाते, बहुत शंकित होते हैं इन लोग। शक में ही इन लोग का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, बहुत ज़्यादा उभार लिया हुआ चंद्रमा, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ और बातें देखो चंद्रमा से। ज़ोरा से ज़्यादा उभार रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें भावुकता ज़्यादा रहेगी, इमोशनल ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे लोगों को कोई जल्दी से ठग जाता है, चीटिंग कर जाता है, जल्दी से ठगा जाते हैं इन लोग। ये भी प्रॉब्लम होता है इनके साथ में, इमोशनल कोई आंसू बहा दिया जाके तो बहुत फिर द्रवित होके उसके लिए कुछ अच्छा कर दिए, फिर बाद में पता चलता है कि वो तो धोखा दे के गया। ऐसी जो चीज़ें चंद्रमा के एक्सेसिव उभार होने से होता है, ठीक है। बाकी हाँ, विदेश यात्रा के लिए आपका जल से संबंधित यात्रा के लिए फिर वो अच्छा है, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट देगा आपको, लेकिन बाकी चीज़ों में नेगेटिव इफेक्ट देगा, ठीक है ना। अभी मान लो चंद्रमा किसी का दबा हुआ है, यहाँ पे जो उभार रहता है ऐसा लगेगा एकदम बिल्कुल दबा हुआ सा, आपको दिखने से ही समझ में आएगा दबा हुआ सा, एकदम छूने से कड़ा लगेगा, एक लगेगा कुछ मांस ही नहीं है वहाँ पे, ऐसा जो आपको लगेगा देखने से, तो इसको बोलते हैं चंद्रमा का दबा हुआ। अब क्या होगा, अब इसके अंदर में भावना ही नहीं होगी, ऐसा आदमी कल्पनाशील नहीं होगा, ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो जाएगा, ज़ोर से ज़्यादा भौतिकवादी हो जाएगा, इमोशंस की कमी रहेंगी, भावना प्रधान नहीं रहेगा, तो क्लेश करेगा, स्त्री का सम्मान नहीं करेगा, पत्नी को कष्ट देगा, माता का ही निंदा करने वाला होगा, माता के ऊपर हाथ पैर उठाने वाला जो हरकत करते हैं, नीच हरकत, ऐसे लोग होते हैं, माता को कष्ट देते हैं ऐसे जो लोग होते हैं, जिसका चंद्रमा दबा होता है इसकी माता को कष्ट होता है, ठीक है। इसको स्त्री से भी, इसकी पत्नी को भी कष्ट होता है, घर की स्त्रियों पर क्लेश होता है, और ऐसे लोग अच्छा नहीं होता, ऐसे लोग जीवन अच्छा नहीं होता इन लोग का। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक रूप से बड़े ही या तो कठोर हो जाएंगे, दो टाइप की इसमें क्वालिटी आती है। जैसे इसमें देखिएगा, मान ले चंद्रमा दबा, ये जो घेरिया है वो दबा हुआ है, इसमें किंतु परंतु वाली स्थिति आती है, मैं बता देता हूँ उसको। मान लीजिए माइंड लाइन आपकी चंद्रमा की तरफ में झुकी हुई है, ठीक है, और चंद्रमा आपका दबा है, तो क्या होगा, तब आपके अंदर में एक गुण आएगा, क्योंकि आपका जो मन है, जो मस्तिष्क है, उसमें तो चंद्रमा के तरफ में इशारा है, तो चंद्रमा का तो गुण लेके आप चल रहे हो, तो ऐसे लोग फिर उत्साह की कमी, जीवन शक्ति की कमी, डिप्रेशन, निराशावादी सोच, पहले ही हार मान जाना, साहस ना जुटा पाना, शत्रु को देख के पलायन कर जाना, विपत्ति पे घबरा के हाथ पैर फूल जाना, ये जो स्थिति है ऐसे लोगों की होती है, ठीक है। अगर चंद्रमा दबाओ और चंद्रमा की तरफ मस्तिष्क रेखा हो तो ऐसे लोग होंगे। मान लो चंद्रमा दबाए लेकिन चंद्रमा की तरफ मस्तिष्क रेखा नहीं, चंद्रमा मंगल की तरफ जा रहा है, मस्तिष्क रेखा सीधा है, या फिर जो ऐसा भी मतलब ऐसा है, चंद्रमा की तरफ नहीं है, तब क्या होगा, तब फिर ऐसा आदमी कलेश प्रिय, कलह करेगा, पत्नी को कष्ट देगा, माता को कष्ट देगा, दूसरे से असहयोग मिलेगा, दूसरे लोग इसके जीवन में आए दिन प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, कभी कभी अपने कारण से प्रॉब्लम क्रिएट करे रहेगा, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करेगा, जीवन में संघर्ष में जीवन बिताएगा, सफलता के लिए तरसेगा, ये जो चीज़ें हैं ऐसे समय में होती हैं। तो अब ऐसे लोगों के साथ डिप्रेशन है ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते आप उसको, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग तो फिर अलग ही इनका मिजाज रहता है, निंदक किस्म के होते हैं ऐसे लोग, अपनी अपने को नहीं मिला तो दूसरे के अंगूर खट्टे वाली स्थिति ऐसे लोग को होता है। अब कुछ और स्थिति बताता हूँ मैं, देखो चंद्रमा पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ चिन्हों के बारे में बताता हूँ जो हमेशा जनरली मिलते हैं वो। जैसे ना मैंने डिप्रेशन के बारे में बात किया, तो जाहिर सी बात है जिसका भी यहाँ चंद्रमा में बड़ा सा क्रॉस, देखो ये जो क्रॉस है ना, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ये क्रॉस, ऐसा
ऐसा बनेगा चंद्रमा पे जब बड़ा साइज का क्रॉस बने, यानी कि रेखाएं मोटी मोटी हों, दोनों रेखाएं मोटी रेखाओं से क्रॉस बने, तब ये और ज़्यादा टेंशन का बात है। चंद्रमा पे क्रॉस का बनना अच्छा नहीं है, ये आपको डिप्रेशन देता है, आपको ऐसी स्थिति देता है कि आपको अपने जीवन को खुद समाप्त करने का मन करने लगता है, आत्महत्या का विचार मन में आने लगता है, ठीक है, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। अगर मान लो मस्तिष्क रेखा या मस्तिष्क रेखा पे भी ऐसा क्रॉस बना है और यहाँ पे भी क्रॉस बना है, तब फिर ऐसे लोग तो फिर और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आत्महत्या करना, अपने आप को ख़त्म कर लेना, अपने आप को नुकसान पहुँचाना, बहुत निराश होकर रहना, निराशावादी सोच, ऐसी जो चीज़ें हैं उधर पर जाती है, ठीक है। अभी मान लो एक ही क्रॉस है, बड़ा क्रॉस है या दो छोटे छोटे क्रॉस हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा फिर भी ठीक है, मस्तिष्क रेखा में दोष नहीं है, तो ऐसे आदमी को बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत चिंता आती है। कभी ना कभी जीवन में ऐसे लोगों को ऐसे फेज से गुजरना पड़ता है, भारी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है ऐसे लोगों को। तो चंद्रमा पे क्रॉस होना अच्छा बात नहीं है, ठीक है, ये आपको डिप्रेशन वगैरह का, आत्महत्या, सारी जो चीज़ें हैं नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव माइंडसेट को भी ये दिखाता है, ठीक है, ये नेगेटिव माइंडसेट को भी ये दिखाता है। उसके बाद में अगर मान लो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ये बहुत आम जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, अगर ट्रायंगल बनता है तो ये ऐसे लोगों को, ये ट्रायंगल क्या करता है, किसी भी गुण में विशिष्टता को बढ़ा देता है, किसी भी गुण का विशिष्टता को बढ़ा देता है। अब चंद्रमा पे ट्रायंगल है तो चंद्रमा के गुणों में विशिष्टता आ जाएगी, जैसे कि ऐसे लोगों को कल्पनाशीलता अच्छी है अगर मान लो, तो कोई अच्छा कलाकार बन गया, कोई कवि बना देगा, साहित्यकार बना देगा, ऐसी जो चीज़ें उसमें ला ले आएगा, या फिर ये भी आपको विदेश यात्रा के तरफ में लेके जाएगा, ऐसा ऐसे लोगों को विदेश यात्रा का सूचना देता है, या फिर ये आपको कला प्रियता या कविता पठन लिखन ये सारी चीज़ें में प्रवीण बनाता है ये ट्रायंगल, ठीक है ना। अभी मान लो चतुर्भुज मिला, अब इसके बहुत सारे मायने हैं, हमेशा चतुर्भुज में लोग एक ही एंगल पर जाके सोचते हैं, वहीं जाके गलत हो जाती है चीज़ें। चतुर्भुज जब भी बनेगा, चतुर्भुज पहला चीज़ क्या करता है, आप ये चतुर्भुज चंद्रमा पे शुद्ध रूप से बना है, एकदम स्वच्छ है, तो ये आपको बताएगा कि आप धनी जरूर रहोगे, आपके धन की स्थिति को बताता है। चंद्रमा से आपको धन मिलेगा, मतलब दूसरे लोगों से, जीवन में दूसरे लोगों से, स्त्री से, माता से आपको धन मिलेगा, ये जो चीज़ें हैं इधर पे इशारा है, ठीक है। साथ में चंद्रमा, कोई भी चतुर्भुज किसी भी पर्वत पे बनता है, चतुर्भुज हमेशा रक्षा का कवच होता है, सुरक्षा का कवच, तो यहाँ पे बनता है तो ये जल का क्षेत्र है, ऐसे लोगों को जल से संबंधित चीज़ों में यात्रा करने समय ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल से भय, जल के भय से ये रक्षा का वचन देता है, तो वो ये रक्षा का वचन दिया है इसीलिए कि क्योंकि आपको भय तो आएगा, तो भय आएगा, भले आप बच जाओगे नो डाउट, लेकिन भय तो आएगा, इसीलिए कभी भी सोच समझ के ऐसे लोगों को जल यात्रा करनी चाहिए, ठीक है। ये जल से डूबने का खतरा ऐसे लोगों के साथ में देखा जाता है, लेकिन बच जाते हैं, रक्षा कवच है तो बच तो जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट एक बार ना एक बार जीवन में ज़रूर कराता है। अभी आपकी माता भी है, तो माता इसका जिसका भी चतुर्भुज बना रहता है ना, ऐसे लोगों की माता को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रहती है, हालांकि बीमार पड़ते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसके कारण से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अब इसके ऐसे मतलब माता का स्वास्थ्य नाजुक होता है ऐसे लोगों का। और जिसका क्रॉस बनता है, ऐसे लोगों की माता हमेशा बीमार रहती है, ठीक है। और जिसका ये चतुर्भुज बना और क्रॉस बना, अंतर क्या है, ऐसे लोगों की माता को, इन लोगों का धन, बहुत सारा धन और बहुत सारा मेहनत माता के स्वास्थ्य में जाता है, ठीक है। दूसरा जिसका स्क्वायर बना है, तो ऐसे लोगों को माता से ब्लेसिंग मिलता है, इनका धन माता की तरफ नहीं जाता, हालांकि इनकी माता को भी बीमारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी से इनकी माता की रक्षा हो जाती है, यहाँ पे अगर चतुर्भुज है तो ये रक्षा का वचन देता है, ऐसा भी आप देख सकते हो, ठीक है। आपको ये चतुर्भुज है तो धनी तो आप 100% रहोगे, ऐसा ये बताता है। तो ये था चंद्रमा से रिलेटेड जानकारी, और कुछ चीज़ें चंद्रमा से रिलेटेड और भी बातें हैं यहाँ पे, आप बहुत सारी चीज़ें चंद्रमा से रिलेटेड अगर जोड़ने लग जाए तो ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने केवल चंद्र पर्वत पे फोकस करके समझाने की कोशिश की है। तो एक और लास्ट पॉइंट आपको बताते चलूँ, अगर मान लो चंद्रमा पे तिल है या दाग है या धब्बा है, तो ये भी अच्छा स्थिति नहीं है, ऐसे समय में भी मानसिक पीड़ा को या फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा पीरियड ज़रूर आएगा जहाँ पे आप बहुत भारी मानसिक पीड़ा को झेलेंगे, ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। ऐसे समय में इंसान को बहुत कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, दूसरे लोग इनके जीवन में मुसीबत की घड़ी उत्पन्न करते हैं, लोग इनको ऐसे मिलते हैं या सहयोगी इनको ऐसे मिलते हैं जो इनको पीड़ा देते हैं, जो इनको ठगते हैं, इनके पीठ पीछे
षड्यंत्र करते हैं, सारी चीज़ें इनके साथ में होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है चंद्रमा पे तिल दाग धब्बा होना, और बाकी चीज़ें तो बता ही दिया मैंने। ये था चंद्रमा से बाकी रिलेटेड जानकारी। अगर आपको कंटेंट्स पसंद आता है, अगर आपको ये चीज़ें मैच होती है आपके हाथ से, अगर आपको लगता है मैं सही बताता हूँ, कुछ भी जानकारी अगर मुझसे ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्रतिफल दीजिए मेहनत का, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए पामिस्ट्री के सफ़र मेरे साथ। थैंक यू।